हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किए थे, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 12 मैथमेटिक्स में, जो अपन 6.1 और 6.2 कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे। और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है जिसमें मिक्स बैक क्वेश्चन है डिफरेंशिएबिलिटी के और कंटिन्यूटी के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पास है उसमें आपको चार ऑप्शन गिवन है और बोला हुआ है कि इसमें से कौन सा जो फंक्शन है आपका, कौन सा फलन है, वो x इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो कल अपन ने जो 6th क्वेश्चन किया था उसमें x मोड x भी मैंने आपको फंक्शन बताया था और इसके बारे में डिटेल में बात की थी, इसका ग्राफ भी अपन ने डिनोट किया था। ठीक है, तो फिर अपन ने उसको x इक्वल टू जीरो पर चेक भी किया था तो वो डिफरेंशिएबल हुआ था, है ना। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो। अब टेन है तो टेन भी एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल होगा। ई की पावर माइनस एक्स है, वो भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चर घातांकीय फलन है, वो भी एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो रही बात ऑप्शन डी की, तो ये जो एक्स इक्वल टू जीरो पर है ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है ना, ये सारी डिटेल तो आप स्टार्टिंग में जहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है उसमें ही डिटेल में लिखा हुआ है कि ये फंक्शन अपने इंटरवेल में कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। तो जो डी है ना वो एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा, इसके लिए अपन इसका फंक्शन बना लेते हैं अलग से। तो अपना फंक्शन हो गया एक्स प्लस मोड एक्स। ठीक है, तो जब भी मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन में आपको मोड दिखाई देता है, मॉडुलस फंक्शन आता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, फंक्शन को वापस से क्रिएट करना है, वापस से इसकी डेफिनेशन बनानी है। क्योंकि मोड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, जब एक्स मिलता है व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स मिलता है व्हेन एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पता है अपने को। तो यहाँ पे अपन डेफिनेशन बनाएंगे एफ एक्स की। एफ एक्स में एक्स प्लस मोड एक्स और एक्स प्लस मोड एक्स। ठीक है ना, तो जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो मोड एक्स में से क्या निकल के आएगा, एक्स। तो एक्स और एक्स यहाँ पे क्या बन जाएगा, टू एक्स। ठीक है, और x लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है, तो मोड x में से क्या निकल के आएगा, माइनस x। तो यहाँ पे जैसे ही मैं माइनस x पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस x। क्लियर है, x माइनस x क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए पूछ रहे हैं, अवकलनीयता के लिए पूछ रहे हैं, तो अपन यहाँ पे जीरो प्लस h, जीरो माइनस h और f जीरो की वैल्यू बना लेते हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बट इस तरीके से आपको करना है ना, मोड आते ही आपको फंक्शन की डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। तो जीरो से ज़्यादा के लिए बात करें, ग्रेटर देन जीरो पे टू एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, टू एच, जीरो प्लस एच होगा, तो जीरो तो हटा दिया मैंने, तो टू एच। और जीरो माइनस एच पे तो क्लियरली दे रखा है कि जीरो ही आएगा, और एफ जीरो पे टू इंटू जीरो करूँगा तो मैं जीरो ही हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका आर एस डी कैलकुलेट करते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। ठीक है, तो जीरो को इग्नोर करते एच एच कैंसिल होके क्या मिलेगा आपको, टू। और ऐसे अगर बात करें एल एस डी की, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे आएगा जीरो माइनस एच वो जीरो है, माइनस एफ जीरो तो वो जीरो है, अपॉन एच, तो ये क्या बनेगा, जीरो इंटू वन अपॉन एच, तो फाइनली क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ आर एस डी आर एच टू, एल एस डी आर एच जीरो। ठीक है, तो टू और जीरो इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो पे एक्स मोड एक्स है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगे तो आप सबकी डिफरेंशिएबिलिटी जीरो पे अलग अलग चेक कर सकते हो। मैंने आपको डी ऑप्शन बताया क्योंकि वो डिफरेंशिएबल नहीं है और वही अपने क्वेश्चन में बताना था, और जो ए ऑप्शन में था एक्स मोड एक्स तो वो अपन निकल करके देखा था। जो 8th क्वेश्चन है उसमें आपको फंक्शन गिवन है, ठीक है, तो आपको x इक्वल टू टू पे क्या बताना है, इसका एल एस डी बताना है। ठीक है, एल एस डी के लिए अपने को क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, f टू की रिक्वायरमेंट होगी और f टू माइनस एच की रिक्वायरमेंट होगी। जब टू निकालोगे तो लेस देन और इक्वल टू टू यहाँ पे गिवन है, तो जैसे ही आप टू पुट करोगे तो वन प्लस टू क्या बन जाएगा, थ्री बन जाएगा। टू माइनस एच, सॉरी लेस देन टू पे, हाँ सॉरी लेस देन टू पे भी क्या है आपके पास, वन प्लस एक्स ही है, तो x की जगह आप 2 माइनस एच पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 माइनस एच। ठीक है, तो एल एस डी में एल एस डी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, f 2 माइनस एच माइनस एफ टू अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, 2 माइनस एच करेंगे तो 2 माइनस एच की वैल्यू है 3 माइनस एच और f 2 की वैल्यू है 3 अपॉन माइनस एच, तो थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच अपॉन माइनस एच क्या आ जाएगा, वन। तो यहाँ पे एल एफ डैश टू,
एल एफ डैश टू का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। लेफ्ट साइड वाला अपन क्या कर रहे हैं, मतलब एल एस डी की ही वैल्यू पूछ रहा है। एफ डैश टू मतलब ये क्या है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन टू पे पूछ रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो कितना मिला, वन, ठीक है। तो एल एफ डैश भी अपन इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, सॉरी मोड एक्स नहीं है, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है आपके पास, एफ एक्स इक्वल टू ऐसे डब्बा एक्स दिया हुआ है, तो डब्बे के बारे में मैंने पहले बताया था, 6.1 में भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया था ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो दोबारा बता देता हूँ। जैसे आप इसमें 2 पुट किया आपने तो 2 ही मिलेगा, ठीक है। 2.3 पुट किया है ना, तो 2.3 से पहले वाला इंटीजर, 2.3 तो कंप्लीट नंबर नहीं है ना, 2 और 3 के बीच में आता है, तो उससे पहले वाला इंटीजर, 2.3 से पहले इंटीजर कंप्लीट नंबर जो पूर्ण अंक है, पूर्णांक है, वो कौन आया था, 2 आया था। अब आपके दिमाग में ये हो सकता है कि 2.9 लिखेंगे तो सर 3 लिख देंगे क्या, नहीं, 2.9 से पहले इंटीजर कौन था, 2 था, है ना। जैसे आपने -2 पुट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, -2 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि -2 में कोई पॉइंट वाला नंबर ऐड नहीं है। अगर पॉइंट कुछ ऐड होता है तो क्या करना है, उस नंबर से पहले वाला इंटीजर लेना होता है, ठीक है, क्लियर है। जैसे मैंने लिखा 1.4, 1.4 तो 1.4 से पहले वाला इंटीजर कौन है, 1 है, इस तरीके से काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपको पूछा हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, महत्तम पूर्णांक फलन एक्स जो है वो कहाँ पे अवकलनीय नहीं है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि हर इंटीजर पे, प्रत्येक पूर्णांक पे यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। जैसे अपन जब एल एस डी आर एस डी निकालते हैं तो मुझे किसकी किसकी वैल्यू चाहिए होती है, 2+h की, 2-h की, ऐसे वैल्यू चाहिए होती है। तो अगर इसको 2+h को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अपन बॉक्स में फिल करें, बॉक्स में रखें, तो 2+h का मतलब क्या है कि 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा 2 में ऐड करोगे। जैसे यहाँ पे 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, सपोज ये बन जाता 001, 2.001, तो इससे पहले वाला इंटीजर कौन है, 2, तो 2+h से बाहर हमेशा कौन आएगा, 2 ही आएगा। बट यही दिक्कत अपन किस में फेस करने को मिलेगी, अपने को 2-h में। तो 2-h में क्या होगा अपने पास, जैसे ही अपन 2-h करेंगे तो h तो बहुत छोटी वैल्यू है, लगभग 0, मतलब 0.00000000 क्या है, 1 है। तो 2-h करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लगभग तो 2 ही बनेगा है ना, तो क्या बनेगा ये 1.9999 ऐसा कुछ होगा। तो इससे पहले वाला इंटीजर कौन होगा, 1। ये चीज़ मैंने आपको 6.1 में जो क्वेश्चन आया था तब भी आपको एक्सप्लेन करी थी, 2-h में क्या आएगा, 1। सपोज यू 3-h होता, 3-h होता तो क्या आता, 2। क्लियर है इतनी बात। तो बस ये पूछ रहे कि ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा एवरी इंटीजर, प्रत्येक पूर्णांक पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। 10th क्वेश्चन में आपसे दाया अवकलज मतलब आर एस डी की वैल्यू पूछी हुई है 8x इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। आर एस डी की वैल्यू है, या फिर वो ऐसे पूछ सकता है आर एफ डैश 0, ठीक है, तो एक ही बात है। तो आर एस डी के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, एफ 0+h चाहिए होगा और एफ 0 की वैल्यू चाहिए होगी। तो 0+h मतलब जो 0 से बड़ा हो, तो 0 पे तो क्लियरली बोल रखा है 0 आएगा, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0+h करो, 0-h करो, तो ये डिफाइन होगा साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो जैसे ही मैं x की जगह 0+h रखूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एच स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन एच स्क्वायर अपॉन एच, ठीक है। तो 0+h और एफ 0 दोनों की वैल्यू आ गई। अब आर एस डी को कैलकुलेट करना है, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0+h माइनस एफ 0 अपॉन एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0+h है, तो 0+h में आपके पास है साइन एच स्क्वायर अपॉन एच माइनस एफ 0 की वैल्यू 0 अपॉन में क्या आएगा h, तो अपॉन में h आते ही ये दोनों h मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच स्क्वायर अपॉन एच और उसके होल अपॉन में h है, तो ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। और ये प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ रखी है कि लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच क्या होता है, 1। तो जब h टेंस टू 0 है तो h स्क्वायर टेंस टू भी क्या होगा, 0 ही होगा, तो फाइनली वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 1।
तो आर एस डी की वैल्यू आपको बतानी थी वो 1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11th क्वेश्चन है उसमें है मोड साइन एक्स, मोड कोस एक्स और मोड एक्स है, ठीक है। तो बोलना है, बोला है कि इसकी कंटिन्यूटी के बारे में आप उसको चेक करो, एग्जामिन करो, ठीक है। तो आपको पता है साइन कोस और मोड है वो तीनों ही आपके पास क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। ये क्लियरली एक्सरसाइज जब स्टार्ट होती है उसमें लिख रखा है कि कंटिन्यूस फंक्शन का अगर आप सम करोगे या उनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो जो नया फंक्शन बनेगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस ही होगा। तो चाहो तो सिंपल तरीके से लिख सकते हो, है ना, कि मोड साइन एक्स है, मोड साइन एक्स है, मोड कोस एक्स है और मोड एक्स है, तीनों ही क्या आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इनका जो सम बनेगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस ही होगा। अब अगर आप करना चाहो तो इसको करके देख सकते हो, ठीक है। सिंपल तरीके से कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे मैंने ले लिया एक्स इक्वल टू, मैं सी पे चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। और सी के लिए बोला हुआ है कि एक्स क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, तो वेयर सी बिलोंग्स टू आर कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो सपोज अपन यहाँ पे आर एच एल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आर एच एल में क्या करेंगे अपन, सी पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच करेंगे, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या बनेगा, साइन सी प्लस एच, है ना। अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो कैसे करेंगे, 2 या 3 मार्क्स का कुछ आ गया तो कुछ लिखना भी तो पड़ेगा ना, डायरेक्ट शॉर्टकट तो नहीं चलेगा। उस कंडीशन में आप ऐसे लिख सकते हो इसको, सी प्लस एच और मोड एक्स है तो सी प्लस एच। अब एच की लिमिट जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन सी प्लस कोस सी प्लस मोड सी, ठीक है। और यही वैल्यू एल एच एल में आने वाली है, तो फंक्शन तो एक ही है, सी माइनस एच कर देंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो ये साइन सी माइनस एच कोस सी माइनस एच और सी माइनस एच। जैसे ही एच की लिमिट आप 0 पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, मोड साइन सी मोड कोस सी और मोड सी, ठीक है। तो आर एच एल एल एच एल सेम आ रहा है, और ऐसे ही आप वैल्यू एग्जैक्ट सी पे चेक करोगे तो ये क्या बनेगा, साइन सी मोड कोस सी प्लस मोड सी। आप देख सकते हो इक्वेशन 3, 2 और 1 तीनों में वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो एक्स की आप कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो, ये आपको हमेशा क्या मिलेगा, कंटिन्यूस ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आपको एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस गिवन है, ठीक है। तो आपको एम की वैल्यू बतानी है, यस। तो अब आप देख सकते हो क्लियरली एक्स इक्वल टू जीरो पे 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, और एक्स ग्रेटर देन जीरो पे एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे आर एच एल की बात करूँगा, मतलब जीरो से जीरो प्लस एच के लिए बात करूँगा, जीरो से ग्रेटर के लिए बात करूँगा, तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके कुछ मिलने वाला है नहीं, मतलब वापस 1/2 ही मिलेगा। मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है एम की, एम किसके पास है, लेस देन जीरो पे। तो सबसे पहले तो अपनी को ये चीज़ लिखनी चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है, 8x इक्वल टू जीरो एफ एक्स इज कंटिन्यूस, तो वी कैन से दैट आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू एफ जीरो, ठीक है ना। अगर अपना फलन है वो जीरो पे सतत है तो आर एच एल एल एच एल और एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो एफ जीरो आपको पता ही है डायरेक्ट कितना है, 1/2 है। अब चाहे आप आर एच एल एल एच एल एफ जीरो को इक्वल करो या एल एच एल और आर एच एल को आपस में इक्वल करो, एल एच एल और एफ जीरो को इक्वल करो, बात तो एक ही है। तो एफ जीरो मैंने निकाल लिया, आर एच एल में निकालूंगा, ग्रेटर देन जीरो पे काम करूंगा तो 1/2 ही आएगा, वो मेरी हेल्प नहीं करेगा क्योंकि मुझे एम वैल्यू चाहिए, एम की वैल्यू चाहिए। एम की वैल्यू किसके पास है, लेस देन जीरो के पास है, मतलब एल एच एल में मिलेगा, इसलिए मैं एल एच एल को कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ऐसा थोड़ा सा आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग यूज कर सकते हो। आर एच एल कैलकुलेट करने में कोई बुराई नहीं है, करोगे तो थोड़ा सा आपको मतलब टाइम लग जाएगा, ठीक है, और उसे आउटपुट कुछ मिलने वाला है नहीं। सपोज आप आर एच एल करोगे तो 0 प्लस एच करोगे तो एच की होल पावर 3/2 बनेगा, प्लस 1/2 बनेगा, तो एच तो 0 हो जाएगा, तो 1/2 ही मिलेगा। तो आप डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो भी, आर एच एल की वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी, 1/2 ही मिलेगी। तो एम तो आया नहीं ना, एम किसके पास है, लेस देन 0 पे, मतलब एल एच एल के पास है। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ पे आपके पास है साइन, अच्छा ये चीज़ और ध्यान रखनी है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे m प्लस 1 इंटू एक्स है, इसको अलग अलग टर्म मान के x को कैंसिल भी कर देते हैं। यार अगर ऐसा होता कि x अलग से कुछ होता तो x को कॉमन लेके खुद ही मतलब यहाँ पे डिवाइड में देने की ज़रूरत क्या थी, ठीक है। फिर तो आप ऐसे ही मतलब इसमें से भी x निकाल ही सकते हो अलग से,
अब ये ध्यान रखना है, इसने ब्रैकेट नहीं बनाया, मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। जैसे 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा होता है, वैसे एम प्लस वन इंटू एक्स है ये पूरा, ठीक है ना। इसको अलग अलग मानने की गलती मत करना, एम प्लस वन इंटू एक्स है, तो एक्स की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, 0 माइनस एच। फिर ये पूरा एक बन गया, प्लस साइन एक्स है तो एक्स की जगह मुझे रखना पड़ेगा 0 माइनस एच, अपॉन क्या आएगा मेरे पास एक्स, तो क्या आएगा 0 माइनस एच। जहाँ पे भी एक्स था मैंने सब जगह चेंज कर दिया। अब देखो, अब जीरो तो हट जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में जीरो हटा सकते हो, ठीक है। तो एम प्लस वन इंटू माइनस एच बना है, तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगी, ये साइन एम प्लस वन इंटू एच मल्टीप्लाई तो हो गया, लेकिन ये जो पूरी टर्म बनेगी वो किसकी बनेगी, माइनस की। और साइन क्या करता है, माइनस को बाहर निकालता है, क्योंकि वो क्या होता है, ओड फंक्शन होता है, विषम फलन होता है। कोस और सेक तो माइनस को खा जाते हैं, साइन माइनस को बाहर निकालता है। और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, साइन माइनस एच है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से साइन एच। और अपोन में क्या चल रहा है आपके पास, 0 माइनस एच है, तो 0 को यहाँ से भी हटा देते हैं, तो क्या बनेगा, माइनस एच। तो इन ऊपर जो न्यूमरेटर है, अंश है, उसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखो, लिमिट एच टेंस टू 0, इस एच को अलग अलग डिवाइड करो, साइन एम प्लस वन इंटू एच अपॉन एच। अब इसको एच से कैंसिल मत कर देना, इसको ये क्या है पूरा, इसको एच से कैंसिल कर दोगे आप तो ऐसा हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स में से एक्स भी कैंसिल कर सकते हो, ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इसको इससे कैंसिल कर दोगे तो फिर मिलेगा क्या, मिलेगा तो साइन। साइन क्या होता है, साइन कुछ नहीं होता है, अकेले साइन का कोई वजूद नहीं है, ये एक स्पेलिंग की तरह हो गया फिर तो, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल करने के बाद में ये प्लस हो गया, ठीक है। और एच का अलग से डिवाइड कर दिया इधर, और एच का डिवाइड कर दूंगा मैं साइन एच में, तो ये बन जाएगा साइन एच अपॉन एच, ठीक है। अब साइन एच अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0 पे ये पूरी वैल्यू तो क्या हो जाएगी आपके पास, 1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे साइन एम प्लस 1 इंटू एच है, लिमिट पुट करोगे तो 0 अपॉन 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा, तो फॉर्मूला तो यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में खाली एच है, और यहाँ पे क्या है, एम प्लस 1 इंटू एच है, तो मैंने क्या करा, फॉर्मूला बनाने के लिए एम प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी फॉर्मेट सेम बन गया, क्या बन गया, साइन एम प्लस वन इंटू एच अपॉन एम प्लस वन इंटू एच, ठीक है ना। जब एच टेंस टू 0 है तो 2h टेंस टू भी क्या होगा, 0 ही होगा, तो बस वही कॉन्सेप्ट है, एम प्लस वन इंटू एच भी क्या होगा, 0 ही होगा। इट मीन्स इसके पूरे की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1, और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, एम प्लस 1 से, इसको मत भूल जाना। एम प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एम प्लस 1 ही आएगा, प्लस ये तो इस पूरे की वैल्यू आ गई एम प्लस 1, और फिर प्लस क्या लिखा है, साइन एच अपॉन एच, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 1। तो m प्लस 1 प्लस 1 क्या हो गया, m प्लस 2, क्या मिल गया आपको, m प्लस 2। ये किसकी वैल्यू आई है, LHL की, LHL की वैल्यू m प्लस 2 आ गई, RHL की वैल्यू 1/2 थी, और F0 की वैल्यू भी 1/2 थी। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि x इक्वल टू 0 पे आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है, तो आप RHL को LHL को या LHL को F0 को किसी को भी आपस में इक्वल कर सकते हो। मैं LHL को और F0 को इक्वल कर रहा हूँ। LHL की वैल्यू कितनी मिली है अपने को, m प्लस 2, m प्लस 2, और F0 की वैल्यू कितनी मिली है आपको, 1/2। तो 1/2 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे LCM लेंगे अपन 2 का, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा, -3/2, हाफ माइनस 2 है तो माइनस का 3/2 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये आपको m की वैल्यू मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ये गलती करते हैं कि m प्लस 1 इंटू एच जो बनता है ना, उस वैल्यू को क्या करते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे h से h को कैंसिल कर देते हैं, ये वाला, ऐसे h कैंसिल नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। और क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट नहीं बनाया हुआ है, तो उसको बना के देने की ज़रूरत भी नहीं है, नहीं है तो मतलब इसीलिए नहीं दिया ताकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाओ और एच से एच को कैंसिल कर दो, फिर आप आंसर ढूंढते रहो कि क्या बनेगा। तो उस अगर वैसे आप कर दोगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो m प्लस 1 इंटू एच पूरी एक टर्म है, जैसे साइन 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, ऐसा कुछ होता है, क्लियर है इतनी बात। तो साइन m प्लस 1 इंटू एच है तो यही सेम फॉर्मेट, m प्लस 1 इंटू एच नीचे बनाने के लिए मैंने m प्लस 1 से डिवाइड कर दिया और m प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो पूरा बन गया 1, और 1 इंटू साथ में क्या आ रहा है, m प्लस 1, तो ये इसी फॉर्मेट का, ऐसे तो अपन ने 11th में भी करा था, जैसे ऐसे हो जाए साइन 2h अपॉन h,
तो लिमिट एस टेंस टू जीरो, तो आप एच से एच कैंसिल थोड़ी कर दोगे। अब फॉर्मूला बनाने के लिए जब एस टेंस टू जीरो है तो टू एस टेंस टू भी जीरो ही होगा, लेकिन यहाँ पे टू एच नहीं है तो टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू से डिवाइड कर दिया। अब देखो अब तो ये बन गया ना फॉर्मेट, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, वन, वन को टू से कर देंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, टू। इसी तरीके से एम प्लस वन इंटू एस था तो एम प्लस वन से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया तो एम प्लस वन वन से मल्टीप्लाई होगी एम प्लस वन, और यहाँ पे जो प्लस वन आ रहा था तो एम प्लस वन एम प्लस टू बन जाएगा, और इसको इक्वल कर दिया मैंने एल एच एल के तो एम प्लस टू इक्वल टू हाफ, तो एम की वैल्यू हाफ माइनस टू मतलब माइनस का थ्री बाई टू, इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन आप चाहो तो खुद ट्राई कर सकते हो, यार अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। इसी तरीके से जो राजस्थान बोर्ड की जो क्लास ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स है मैं कंप्लीट आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है, और जो भी टॉपिक रिमूव हुआ है उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, ठीक है, तो वो जाके आप देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो मैंने उसमें सेपरेटली बता रखा है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, कौन कौन से उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल करने हैं, और कौन से एग्जाम्पल और कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है, तो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो, ताकि जो 2021 में आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम हो उसमें आपको जो भी लिमिटेड चीज़ें आपको पढ़नी है वो आपको पता चल जाए। मेहनत तो आपको करनी है, लेकिन थोड़ा तरीके से मेहनत करोगे कि कौन सी चीज़ आने वाली है, किस पे क्वेश्चन आया हुआ है, और कौन सी चीज़ अभी आगे अपने को पढ़नी है, तो वो रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहेगी, इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है, अगर और कोई डाउट आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।